हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास सेवेंथ। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, नेम है परसेंटेज। सबसे पहले चैप्टर्स की डिटेल सारी पढ़ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है परसेंट। परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट मीन्स पर हंड्रेड। ओके, परसेंट का मतलब होता है पर हंड्रेड। वी एब्रीविएट परसेंट बाय पीसी एंड डिनोटेड इट बाय द सिंबल परसेंटेज। हम इसको परसेंटेज सिंबल से डिनोट करते हैं। बात करेंगे आगे परसेंटेज की। By a certain percentage, we mean that many hundreds. इसका मतलब है percentage मतलब many hundreds, मतलब 1/100 की फॉर्म में। उसके बाद आपका जो टॉपिक है पहला वो है टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू द परसेंटेज। हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका एक रूल है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इन टू द परसेंटेज, मल्टीप्लाइंग बाय द फ्रैक्शन बाय 100। सिर्फ सिंपली आपको उस फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर लेना है एंड देन पुट द परसेंटेज साइन, और उसमें परसेंटेज साइन को पुट कर लेना है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। कन्वर्ट इन टू द परसेंटेज, 7/25 हमने लिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर ऊपर नीचे जो भी 25 से कट हो सकता है उसको कट करेंगे। 25 से 1 टाइम और 25 से 100 हो गया 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हो गया 7/4 = 28% इज़ द आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं विद मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद दूसरा कन्वर्जन है टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू द फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका रूल है टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू द फ्रैक्शन, वी डिवाइड बाय द 100 एंड रिमूव द परसेंटेज साइन। हमें डिवाइड करना है 100 का, और जो साइन हमें दिया हुआ परसेंटेज को रिमूव करना है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन। यहाँ पे हमने परसेंटेज ले रखा है 56%, इसमें इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज को रिमूव करना है, डिवाइड बाय 100, यहाँ पे हो जाता है 56/100। अब 4 से हम डिवाइड देंगे, 4 से 56 जाता है 14 टाइम और 100 जाता है 25 टाइम। तो अब हमारा जो फाइनली फ्रैक्शन आंसर में है वो है 14/25। इसके बाद जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है परसेंटेज एज अ रेशियो। यहाँ पे ये पॉइंट है, अ परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो विद द सेकेंड टर्म 100 एंड द फर्स्ट टर्म इक्वल टू द गिवन परसेंटेज। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे तो कन्वर्ट अ गिवन रेशियो इनटू द परसेंटेज। रेशियो को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसका रूल है, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन रेशियो इनटू द फ्रैक्शन। सबसे पहले जो रेशियो दिया उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन। उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और साइन लगाएंगे परसेंटेज का। एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज, रेशियो दिया हुआ 14:25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 14:25 को फ्रैक्शन में नोट कर लिया और उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 100 का। देन 25 से कट हो गया 100 4 टाइम एंड 14/4 = 56। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 56%। बात करेंगे अगला कन्वर्जन। अगला नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो है टू कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज इन द डेसिमल फॉर्म। परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका रूल है, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इन टू द फ्रैक्शन। सबसे पहले जो भी दिया है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए एंड देन डिवाइड, उसको डिवाइड देंगे और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। कन्वर्ट इन टू अ डेसिमल फ्रैक्शन 135%। फर्स्ट ऑफ ऑल 135% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो परसेंटेज को हटा के परसेंटेज को साइन को हटाया जाता है और डिवाइड दिया जाता है 100 का। तो अब हो गया 135/100, यहाँ पे डिवाइड देंगे 100 का डिवाइड देंगे डायरेक्टली 135 में, तो 1.35 इज़ द आंसर इन डेसिमल। इसी तरीके से आपको भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो है टू कन्वर्ट अ गिवन डेसिमल्स इनटू द परसेंटेज। डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई बाय द गिवन डेसिमल बाय 100। सिंपली सिर्फ उस डेसिमल में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज, तो यहाँ पे 0.04 हमने लिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 4%। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सारे कन्वर्जन आज सीखे हैं। आपको इन सभी कन्वर्जन्स को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है अच्छे से। आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है, राइट एंड लर्न ऑल कन्वर्जन रूल्स इन फेयर नोटबुक। आपको सभी अपने ये सारे के सारे कन्वर्जन रूल्स अपनी फेयर नोटबुक पर नोट कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।